गागर नींबू जिसे अंग्रेजी में पोमेलो कहा जाता है तथा जिसका वैज्ञानिक नाम साइट्रस मैक्सिमा है, साइट्रस जाति का सबसे बड़ा फल है। साइट्रस फलों का एक बड़ा जाति है जिसमें कई प्रमुख फलों की प्रजाति शामिल है, उनमें से संतरा और गागर नींबू प्रमुख प्रजाति है जो आप पीछे देख रहे हैं। गागर नींबू जिन अनुक्रम के आधार पर संतरा साइट्रस चिनेसिस, गागर नींबू साइट्रस मैक्सिमा तथा मैंड्रीन साइट्रस रेटिकुलाटा के बीच का एक संकर है, इसकी संरचना मूलतः संतरा जैसी होती है जो पूर्णतः पक जाने पर बाहरी छिलका पीला तथा अंदर की पेशियां गुलाबी लाल तथा उजले रंग की होती है, परंतु इसका बाहरी छिलका संतरा की तुलना में मोटा होता है और पेशियां भी आकार में बड़ी और अधिक होती है। पेशियां रसदार होती है जो बड़े लोब्यूलों में विभाजित होती है, प्रत्येक लोब्यूल एक दूसरे से घने सफेद और विभाजन से अलग अलग होता है। प्रत्येक लोब्यूल के अंदर बीज होते हैं, इसके बीज भी संतरा की तुलना में बड़े और अधिक होते हैं। इसका स्वाद लगभग संतरा जैसा ही, कुछ खट्टा तो कुछ मीठा होता है। इसके आकार में विभिन्नता देखी जा सकती है, कुछ गागर नींबू पूर्णतः गोल तो कुछ नीचे की तरफ से चपटे होते हैं। इसके वजन में भी विभिन्नता देखी जा सकती है, यह 500 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक का होता है, परंतु इसकी बिक्री संतरा की तरह किलो में न होकर यह प्रति फल होता है। गागर नींबू को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि बतावी नींबू, चकोतरा नींबू इत्यादि। लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला गागर नींबू की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया के देश में हुई है। भारत में यह दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन भारत में इसका उत्पादन व्यावसायिक रूप से नहीं होता है। यह ज्यादातर घर के पिछवाड़े के बगीचे में उगाया जाता है, जैसे यहाँ पर भी घर के पीछे ही उगाया गया है। गागर नींबू का बगीचा कहीं नहीं पाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गागर नींबू की खेती असंगठित तरीके से होती है। गागर नींबू के अच्छी प्रजाति के हाइब्रिड पौधे भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, इसके सिर्फ कुछ गिने चुने हाइब्रिड उपलब्ध है, जैसे कि देवना, हल्ली, पोमेलो, नागपुर चकोतरा इत्यादि। अन्य नींबू की प्रजाति के फलों की ही तरह गागर नींबू भी विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थों से भरा है। खासकर अगर इसकी तुलना संतरा से करें तो गागर नींबू भी विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत है। गागर नींबू में संतरा की तुलना में लगभग 2 गुना विटामिन सी तथा आंखों के लिए लाभकारी विटामिन ए 3 गुना मात्रा में पाया जाता है। खनिज जैसे कि आयरन, जिंक बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। गागर नींबू में कैल्शियम, संतरा के कैल्शियम की मात्रा का लगभग आधा पाया जाता है। इन सब के अलावा गागर नींबू भी संतरा की ही तरह एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवन शैली से जुड़े रोग जैसे कि कैंसर, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, हृदय के रोग के होने की संभावना को काफी कम करता है। इस फल में आहार फाइबर भी प्रचुर मात्रा में है, जो कि काफी समय तक शरीर को भूख की एहसास नहीं होने देता है, जो अधिक वजन वालों के लिए तथा मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। संतरे की ही तरह गागर नींबू में कैलोरीज काफी कम होती है, इसमें किसी प्रकार का सेचुरेटेड वसा तथा कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। गागर नींबू में भी संतरे की तरह बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। साथियों, पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में बहुत कारगर होता है। पोटेशियम शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। गागर नींबू में पर्याप्त पोषक तत्व होने की वजह से
यह कुपोषण से बचने में भी मददगार होता है। भारत के कम आय समूह की महिलाओं और बच्चों में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर लोग गागर नींबू का नियमित रूप से सेवन करें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। गागर नींबू अविश्वसनीय तौर से पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसे दैनिक आहार में शामिल कर इसका फायदा लिया जा सकता है। परंतु इतना फायदेमंद होने के बावजूद गागर नींबू को संतरे की तरह भारत में लोकप्रियता हासिल नहीं है। भारत में इस फल को कम उपयोग होने वाले फलों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका उपयोग कुछ विशेष स्थानीय त्योहार जैसे बिहार में छठ पूजा, बंगाल में दुर्गा पूजा इत्यादि में किया जाता है। त्योहार के समय ही फल बाजार में उपलब्ध होता है। किसान भी केवल स्थानीय बाजार में त्योहार के समय में फल को बेचते हैं। त्योहार के बाद बचे हुए फल को पेड़ पर ही छोड़ देते हैं, जो पककर बर्बाद हो जाता है। जबकि अन्य देशों की बात करें जहां गागर नींबू पाया जाता है, जैसे कि चीन, थाईलैंड इत्यादि देश अपने उत्पादन को एक बड़ा हिस्सा यूरोपियन देशों को निर्यात करते हैं, जो कि वहां के किसानों के लिए अच्छा आय का स्रोत है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गागर नींबू का इसके औषधीय गुणों की वजह से बहुत मांग है। साथियों, गागर नींबू बहुत अच्छा फल है। आप देख सकते हैं किस तरह का ये फल लगा हुआ है पेड़ पर। यह इतनी ही बड़ी बड़ी फल होती है। आप इसका उपयोग कर इसका लाभ लें और अपने शरीर की पौष्टिक आहार को आप बरकरार बनाए रखिए। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।